जब मेरा चैनल बना था तब ये मेरा ये लगा ले दूसरा सब्सक्राइबर था। क्या दूसरा सब्सक्राइबर? ये मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी गया, यही बात थी, विश्वास किया मेरे ऊपर, श्री बालाजी महाराज पर। जब वहाँ पर गया पहली बार इसको अजीब सा लगा ना, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जुड़ा हूँ, ये बात थी। अब बाबा की असीम कृपा आई, मैंने इसको कहा कि जो जहाँ तूने विश्वास किया है वहाँ कभी विश्वासघात होता नहीं है, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। और ये कहाँ का निवासी है आपको पता है? कानपुर का, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर कानपुर से सीधा मेरे पास आया है। काम बनने के बाद जो भक्त आए, अब बताओ उसका काम बना तो उसका हृदय, हालांकि और भी है काम तो उनके ही बने हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो बाबा के दर पर आता है वो सौभाग्यशाली होता है। ये अमावस्या पे आ रहा था, मैंने इसको रोक दिया, मैं कहा तू माँ के खुले दरबार में आ और माँ की भी भरपूर कृपा लेकर जा। अब क्या हुआ, जब काम क्या हुआ इसका, बाबा की कृपा से माँ की कृपा से इसका रिश्ता हो गया, मंगनी होगी बगड़ी होगी। अब ये बाबा के दरबार में बाबा को रिझाने आया है, बुलाने आया है माँ को, बाबा को, सह परिवार भक्तजन समेत कि आप मेरे विवाह में आमंत्रित हो। क्यों भाई? पर इसकी एक छोटी सी चलाकी भी है इसमें। वो ये है कि अभी अब इसको पता है इसका विवाह कौन सी तारीख है, 22 तारीख। अब आपको पता है 22 तारीख 28 को मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है, समझ गए? तो भाई अब ये है कि चलो विवाह है, हम जरूर इसके विवाह में शामिल होंगे, क्योंकि अगर बाबा की कृपा ना हो तो ये विवाह भी शायद संभव ना हो, क्योंकि अगर उस जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा है जिस परिवार के ऊपर, ये दो शक्तियों की कृपा हो जाती है, श्री बालाजी महाराज और माँ दुर्गा की, उससे और कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि माँ दुर्गा के प्रथम सेनापति कौन है? श्री बालाजी हनुमान, हनुमान जी महाराज, समझ गए? तो उन्होंने भी आदेश उन्हीं को ही देना है, ठीक है? तो ये इसका सम्मान है, इतनी दूर से आया है और इस सम्मान से दरबार में बाबा को आमंत्रित करता है, यही तेरी कामना के लिए आया है या कोई और कामना भी है? है तो इतनी दूर से तू किस लिए आया यार, मेहंदीपुर मिल जाता। प्यार था, हिलना था। तो इसलिए जोरदार ताली ऐसे भर के लिए। और कहते हैं बाबा तेरे भक्त तेरे भक्ति करने वाला कोई 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 बिरला होता है जो बाबा की भक्ति करता है, माँ की भक्ति करता है, नहीं तो दुनिया तो कई तरह से भक्ति कभी दिमाग से नहीं होती, कभी धन से नहीं होती। तो मैंने आपसे धन लिया, सिर्फ इनका मन लिया, जो प्यार दिया और प्यार लाने के बावजूद भी यहाँ से आके चला गया बाहर, मेरा मन बेचैन हो गया। मैं यार बत्ता गया तो गया कहाँ, मैं उसको बुला यार चाय चू पिलाएंगे अगला। एक बात तो भक्त तो बात है, पहले तो हमारा मेहमान है, है? अगला चीज दूर से चल कर आया जो बाबा के दरबार में, जो सच्चा दरबार है जहाँ से सभी के कार्य बनते हैं, ये नहीं है कि काम मेहंदीपुर बालाजी ही बनता है, बाबा की तो सरकार चलती है हर जगह। पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, वायुदेव के पुत्र और वायुदेव के समान इनका वेग है, बाबा की असीम कृपा आपके घर में भी हो सकती है, जब जाके जब सवेरा। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके कार्य पूर्ण होते हैं। फिर बात ये भी है, आज तक कभी किसी से जुड़ा था? नहीं जुड़ा था, विश्वास से जुड़ा था, तो जो अंधा हो के जुड़ा था, जैसा कहा वैसा करता भी है, ये नहीं कि नहीं किया। जहाँ व्यक्ति क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं वहाँ समझ लो उसकी टांग अड़ जाती है। अगले ने जैसा कार्य किया आज बाबा और माता रानी की भरपूर कृपा का पात्र बन गया है, 22 तारीख को इसका विवाह है, और हम ये आशीर्वाद देते हैं माँ की और बाबा की कृपा से कि आपका विवाह मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और जगत जननी माँ भवानी अंबिके को साक्षी मानकर, पूरे दरबार को साक्षी मानकर आशीर्वाद देता हूँ। बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, श्री बालाजी महाराज की। अब बाबा की शक्तियों को कैसे जगाते हैं तुम्हें पता नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ कहाँ जाना मेरा, ठीक है।